करें कि हमको दर्शन करवा ले मुर्गियाना बना। दोस्तों शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर लगातार जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के विभिन्न कोनों में हम यदि बात करें तमाम विभिन्न मंदिरों में जो है खीर का जो है वितरण किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे प्रसाद के रूप में खीर जो है वितरण की जाती है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बड़े विश्वास और आस्था के साथ जो है यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्वास संबंधी तमाम ऐसे रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि शहडोल के रेलवे कॉलोनी स्थित प्राचीन और बहुत भव्य सी विशाल मंदिर है, ये गणेश जी की मंदिर है। आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है और इस मंदिर प्रांगण के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं मंदिर के मुख्य पुजारी कहें या फिर जो है पूर्व पार्षद कहें या फिर हम एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में कहें, यहाँ पे आदरणीय के मिश्रा जी यहाँ पर स्वयं अपने हाथों से जो है शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जो है लोगों को लगातार जो है खीर प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कितने वर्षों से इस कार्यक्रम को वे आयोजन कर रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ कितनी तादाद में आते हैं और वो कैसा महसूस करते हैं। जी मिश्रा जी, लगभग कितने वर्षों से ये कार्यक्रम जो है चल रहा है? ऐसा करीबन 30 वर्ष हो गए हैं और हर शरद पूर्णिमा के दिन जो है भगवान गणेश जी का जो है भजन कीर्तन होता है रात्रि के समय, शरद पूर्णिमा के समय, और इसके बाद सुबह जो है खीर वितरण किया जाता है जिसमें सांस की बीमारी के लिए जो है इसमें दवा दी जाती है। और ये 1992 से चालू है और जो अभी तक का निरंतर चला आ रहा है। अभी तक हम बात करें तो इस परिसर में कितने ऐसे श्रद्धालुओं ने आकर के प्रसाद जो है ग्रहण किया होगा? यहाँ करीबन 300 से 500 के लोग आप देख सकते हैं। लगातार जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लग ही रहा है, माताएं हैं, बहनें हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हैं। और हम बात करें लगभग जो है सुबह के 4:30 बजे से खीर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। अब तक लगभग जो है हमें जो जानकारी है कि कम से कम जो है 700 से 800 लोगों ने जो है यहाँ जो है खीर प्रसाद ग्रहण किया है। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर क्या बधाई संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, अच्छा रहें और ये जो प्रसाद वितरण हो रहा है दवाई के रूप में उसको सब ग्रहण करें और स्वस्थ रहें, अच्छा रहें। कैसा लग रहा है लोगों को प्रसाद अपने हाथ से दे रहे हैं, लोग लगातार यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद लग रहा है। अभी कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलने का है लगभग? बस अभी तो शुरू। निश्चित ही जो है शरद पूर्णिमा का ये पावन पर्व जो है हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े धूमधाम से शहर के इर्द गिर्द विभिन्न जो है देवालयों में, विभिन्न जो है मंदिरों में बड़े धूमधाम से बड़े शिद्दत अटूट आस्था विश्वास के साथ मनाया ही जा रहा है। क्या मान्यता है शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर प्रसाद का जो खीर का वितरण किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस त्यौहार के उपलक्ष्य पर? बहुत महत्व होता है जिसकी प्रसाद माने मिलना बहुत बड़ी माने किस्मत वाले को सफल होता है। यहाँ जैसे रेलवे कॉलोनी के इस प्रांगण में इस मंदिर में आप यहाँ हैं, काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफी लोग चले गए, लोग आ ही रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है जब ऐसे परिसर में आस्था के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं? तो बहुत बढ़िया मिलता है, साल में एक बार तो आता है, इसका जरूरी है माने बहुत ही जरूरी है लेना इसका प्रसाद, शरद पूर्णिमा का प्रसाद मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकर आए हैं, ईश्वर करे आप सभी के मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों देख सकते हैं काफी सारी माताएं बहनें यहाँ पर हैं और बड़े आस्था विश्वास के साथ उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार बड़े विश्वास से आए हैं कि हमको दर्शन करवा। देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार यहाँ पे भक्तों का, श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगते ही रहती है। लगातार जैसे ये भोर
चुका है। लगभग सुबह के 6 लगभग बजने वाले हैं और लगभग जो है 1.5 से 2 घंटे पूर्व से जो है इस भव्य से कार्यक्रम का आयोजन जो है सुचारू रूप से जारी था और रात्रि के समय यहाँ पे जो है भजन कीर्तन का आयोजन था। उसके बाद यहाँ सुबह भोर में लगभग 4:30 बजे से खीर प्रसाद का वितरण किया गया और किया जा ही रहा है। देख सकते हैं आप रेलवे कॉलोनी स्थित जो है गणेश मंदिर कहें, बालाजी महाराज की बात करें या फिर जो है हनुमान जी महाराज की बात करें, भव्य से ये मंदिर है, भव्य से ये प्रतिमा है और भव्य से विशाल यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। पुनः मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मिश्रा जी स्वयं जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, पूर्व पार्षद हैं और बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उनके द्वारा खुद व्यक्तिगत तौर पे जो है श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपने हाथ से जो है प्रसाद वितरण किया जा रहा है। देख सकते हैं आप चारों तरफ जो है भक्तों का तांता लगा है, काफ़ी लोगों ने अभी तक प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और अभी भी लगातार लोगों की भीड़ यहाँ हौले हौले आहिस्ते आहिस्ते लगते ही जा रही है। पुनः एक बार फिर से हम जो है पूरे रेलवे कॉलोनी परिवार की ओर से समस्त शहरवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अनंत अनंत जो है बधाइयां देते हैं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देते हैं कि वो सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।